हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। दोपहर बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा एग्जाम्पल दिया था कल एक होमवर्क में, और बेटा एक इलस्ट्रेशन वन भी दिया था। कोई प्रॉब्लम आई एग्जाम्पल करते हुए? किसी की कोई परेशानी करा आपने? हो गया कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब एडवांस सुन लो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 होमवर्क रहेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 एंड 3 होमवर्क रहेगा, अभी लिख लो, रहना नहीं चाहिए। बेटा आज एक नए कंसेप्ट की चर्चा शुरू करेंगे। बाबू कंसेप्ट की बात करते हैं, ये चर्चा बेटा हमने ना डिस्काउंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म में भी करी थी। आज बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की। चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इसके ऊपर, जब बेसिक अकाउंटिंग काम पढ़ाई थी। सामने देखना बेटा, ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है? हर वो डिस्काउंट जो बेटा क्वांटिटी की वजह से दी जाती है या क्वांटिटी की वजह से आपको मिलती है, हर उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कहने का मतलब बेटा, आप एक शॉपर पहुंचे, आपने एक सिंगल जीन का प्राइस पूछा और बेटा उसके ऊपर एमआरपी था 2500। बेटा शॉपकीपर ने आंसर करा, एमआरपी पे ये हमारे प्रोडक्ट 2500 की है जींस। उसने कहा जी मैं अपने लिए नहीं बाय कर रहा हूँ, मेरी भी एक दुकान है फला फला शहर में है, मैं क्वांटिटी में बाय करूंगा और मुझे भी तो कुछ कमाने का मौका चाहिए, ऐसे थोड़ी एमआरपी पे ले जाऊंगा। उसने कहा जी बताओ आप कितनी जीन्स बाय करोगे? उसने बोल दिया कि मैं 100 जीन्स बाय करूंगा। उसने कहा अगर आप 100 बाय करोगे, एमआरपी के हिसाब से तो 2,50,000 रुपए की बैठती है, पर मैं आपको 30% ऑफ दे दूंगा, मतलब मैं 75,000 रुपए छोड़ दूंगा, यानी कि आपको पे करने पड़ेंगे 1,75,000 रुपए। बेटा ये जो डिस्काउंट क्वांटिटी की वजह से आपको मिली है ना बाबू, ये जो डिस्काउंट आपको क्वांटिटी की वजह से मिली है ना, इस डिस्काउंट को बोलते हैं बेटा ट्रेड डिस्काउंट। ये क्वांटिटी की वजह से ऑफर हुई है ना, और हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होगी, कैलकुलेशन के लिए यूज करो और भूल जाओ। कैसे मैंने कैलकुलेशन के लिए यूज किया, मैं लिखूंगा मैंने लिस्ट प्राइस 2,50,000 का सामान खरीदा। लिस्ट प्राइस का मतलब एमआरपी होता है। राघव भाई चुप जाओ, वो लिस्ट प्राइस का मतलब होता है एमआरपी। मैंने 2,50,000 की एमआरपी का सामान खरीदा, 30% डिस्काउंट, यानी कि एक्चुअली में मुझे सामान 1,75,000 का पड़ा। ये मैं कैलकुलेशन करूंगा बेटा वर्किंग नोट्स बनाकर, जहां मैं जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ ना बेटा। जर्नल एंट्रीज अगर मुझे लगता है 5 हैं 6 हैं, एक पेज की जगह थोड़ी नेक्स्ट पेज पे सबसे ऊपर लिखूंगा वर्किंग नोट्स, वहां ये कैलकुलेशन करूंगा कि मैंने लिस्ट प्राइस 2,50,000 का सामान खरीदा, 75,000 की डिस्काउंट मिली, यानी कि मेरी एक्चुअल परचेजेस कितनी है 1,75,000, और एंट्री कर दूंगा इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,75,000, दैट्स इट। अगर मैंने 1,75,000 को ही रिकॉर्ड करा, दैट सिंपली मीन्स बेटा ना तो लिस्ट प्राइस ना ही ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड होगा। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होती है, कभी भी कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होती। समझ आई बात? अब मानकर चलो बेटा ये ना मैं पैसे आज नहीं दे रहा था, मेरी इस पर्सन के साथ ना बहुत डीलिंग हो चुकी है, 10-20 डीलिंग हो चुके हैं, ये उधार देता है मुझे, मैं ये ना उधार लेकर जा रहा था 1,75,000 रुपए का। इसने ना बस मैं गेट से बाहर ही निकल रहा था, इसकी दुकान इसके शोरूम से बाहर ही निकल रहा था, इसने कहा जी 1 मिनट बात सुन लो। मैंने कहा जी बताओ क्या कहना है? इसने कहा कि अगर आप ये पैसे मुझे आज और बिल्कुल अभी देते हो, अगर ये पैसे आज आप मेरे को दे देते हो बिल्कुल अभी दे देते हो, मैं 5% और डिस्काउंट दे दूंगा। बाबू ये डिस्काउंट क्यों दी जा रही है? क्वांटिटी की वजह से तो मिल गई डिस्काउंट जो मिलनी थी, ये डिस्काउंट क्यों दी जा रही है? बेटा ये डिस्काउंट ये इंसान मुझे दे रहा है ताकि मैं प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दूँ, बिल्कुल इमीडिएट पेमेंट कर दूँ, इसको अभी पेमेंट कर दूँ। ठीक है ना, इसको हो सकता है कैश की जरूरत हो तभी वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है, वरना ये हमेशा मुझे उधार देता है और मैं आज भी उधार लेके जा रहा हूँ। बेटा फिर मेरे को ये आया कि पैसे आज नहीं तो कल देने, अगर 5% डिस्काउंट मिलती है तो क्यों ना लूँ, 8,750 रुपए का फायदा है, 8,750 का फायदा है,
इसका मैंने 5% कैलकुलेट करा और 8750 बचा लिए। ये बेटा मुझे कैश डिस्काउंट रिसीव हुई है, उसने ये कैश डिस्काउंट अलाउ की है, ठीक है ना। उसके लिए ये नुकसान है, मेरे लिए ये इनकम है कि मुझे 8750 रुपीस बच गए हैं। और हमेशा ध्यान रख लेना, कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमेशा रिकॉर्ड होती है। कैसे रिकॉर्ड होती है बेटा? कल आप कर चुके हो, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आज भी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, पर आप कल कर चुके हो। जिस ट्रांजेक्शन में मैंने लिखा था सोल्ड गुड्स टू वृंदा 50,000 और उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी वृंदा पेड 48,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। कल भी मैंने बात बोली थी, जब भी ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड दिखाई देगा तो डिस्काउंट जरूर आएगी, ठीक है जी। वो कुछ और नहीं, कैश डिस्काउंट की थी कि वृंदा से आपने 50,000 देने थे, उसने 48,000 में हिसाब किताब बराबर कर दिया, तो आपने बेटा 2,000 की कैश डिस्काउंट ही अलाउ की थी उसको। कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी भी आपको लगता है कि हमें जर्नल एंट्री में नहीं समझ में आ रहा, थ्योरेटिकल फॉर्म में समझ में आ गया कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो अब वो सारा दिन का टारगेट से भी यही है, दो ही टॉपिक पे चर्चा कर रही है, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, यही चलता रहेगा, ठीक है जी। आप मेरे साथ साथ एक एग्जाम्पल नोट करेंगे पुत्र, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर। इस एग्जाम्पल में चार पार्ट होंगे, पहले चारों पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, फिर बाबू अगला एग्जाम्पल के चार पार्ट आप करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल फटाफट से नोट डाउन कर लेना। लो पुत्र, स्पीड बढ़ाकर नोट डाउन कर दो इसको, ताकि हम चर्चा को आगे बढ़ा सके। लो पुत्र, चर्चा शुरू करते हैं चारों के चारों ट्रांजैक्शन पर। पहले चारों मुझे करने देना, आप सिर्फ फोकस करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद बेटा चारों आपको करने का मौका दिया जाएगा। सब सामने देख रहे हैं बेटा, मत क्लिक हो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कहता है परचेज गुड्स रुपीज 10,00,000, लिस्ट प्राइस 10,00,000 रुपए सिर्फ लिस्ट प्राइस है, और बेटा कहता है ट्रेड डिस्काउंट 30%। प्यारे बच्चों, आपने करना क्या, जैसे ये चार ट्रांजेक्शन है, चार जर्नल एंट्री की जगह छोड़कर आप एक हेडिंग लिखोगे, वर्किंग नोट्स अंडरलाइन करोगे, सारी कैलकुलेशन नहीं करोगे, एंड इट इज द पार्ट ऑफ फेयर सॉल्यूशन, कोई वर्किंग नोट काट के नहीं आएगा पेपर में, टीचर को दिखना चाहिए कैलकुलेशन आपने कैसे किया, ठीक है जी। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पूरे पेज पर बनेगा, जहां फॉर्मेट बनेगा उससे नेक्स्ट पेज पर वर्किंग नोट बनाना, कहीं जर्नल एंट्री में साइड में जगह ढूंढनी शुरू कर दो, कहीं डेट कॉलम एडजस्टमेंट कर दो, कैलकुलेशन कर दो, ये सब नहीं चलेगा। बबो मेरे पास स्पेस बहुत है और ना ही मैं बेटा फॉर्मेट से क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैं बेटा साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। बबो 10,00,000 रुपए लिस्ट प्राइस का सामान खरीदा, ना तो लिस्ट प्राइस ना ही ट्रेड डिस्काउंट बेटा कहीं भी रिकॉर्ड होती है। 30% इज द ट्रेड डिस्काउंट बेटा। ट्रेड डिस्काउंट किस पर एप्लीकेबल होती है? हमेशा लिस्ट प्राइस पर या एमआरपी पर। बेटा 30% ऑफ 10,00,000 इज 3,00,000, ये ट्रेड डिस्काउंट है बाबू, यानी कि योर एक्चुअल परचेजेस वुड बी 7,00,000। ना ये कहीं भी रिकॉर्ड होना, ना ये आप पेपर में नहीं काट के आएंगे, ऐसे बिल्कुल लिखा रहने देंगे,
यानी कि बेटा आपकी एक्चुअल में परचेस सिर्फ 7 लाख की है, ना मैंने लिस्ट प्राइस कहीं पर भी लेकर जाना, ना ही मैंने कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट लेकर जानी। यानी कि बेटा जर्नल एंट्री क्या बैठेगी, परचेज हमेशा डेबिट होती है। अब हमें ये बात तो डिसाइड कर चुके हैं, 7 बातें हमने डिसाइड कर दी, कैपिटल हमेशा क्रेडिट, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट, परचेज और खर्चे डेबिट, और सेल और इनकम क्रेडिट, सब रूल्स से ही निकाले हमने शॉर्टकट। परचेज हमेशा डेबिट होती है, कर दी डेबिट, अब वो गुड्स खरीदने पर कैश जेब से जा रहा है, तो बेटा कैश जब भी जाता है कैश क्रेडिट होता है, एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और बेटा ये एंट्री करी होगी आपने 7 लाख रुपीज से। अगर मैंने 7 ही लाख रिकॉर्ड करे तो देखो कहीं पर भी लिस्ट प्राइस नहीं गया, कहीं पर भी टीडी नहीं गई। सिंपल, बहुत सिंपल। बाबू आगे बढ़ाते हैं, कहता है सोल्ड गुड्स 8 लाख, लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट 20%। बाबू 8 लाख रुपए लिस्ट प्राइस का सामान आपने बेच दिया, ये लिस्ट प्राइस है सिर्फ। बाबू कहता है 20% टीडी है, बेटा टीडी माइनस कर दो अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट किसी को दिया तो, यानी कि बेटा योर एक्चुअल सेल्स वुड बी 6,40,000, आपकी सच में सेल हुई 6,40 की है। बाबू सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, हमेशा सेल्स को कर दिया क्रेडिट, और बेटा अगर गुड्स बेचा है तो पैसे तो आए होंगे, और पैसे जब भी आते हैं बेटा क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि बेटा आपका सेल 6,40,000 रुपए की है। दैट्स इट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल अच्छे से बात की है, इतना सिंपल है, कुछ कर रहा हूं मैं, मजाक मजाक खेल रहे हैं तो आज। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को, थर्ड वन। अब यहां से बेटा इंपॉर्टेंट मुद्दे शुरू होंगे, ठीक है ना, थर्ड फोर्थ को आराम से सुनना। बेटा कहता है परचेस गुड्स 3 लाख एमआरपी ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस और एमआरपी में कोई अंतर नहीं होता, इट इज वन एंड द सेम। बाबू कहता है ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 2%। बेटा 3 लाख रुपए एमआरपी का सामान खरीदा, 3 लाख रुपए क्या है बेटा, एमआरपी या लिस्ट प्राइस है। बाबू कहता है 20% इज द टीडी, ट्रेड डिस्काउंट कितनी है 20%। बाबू इसका 20% कैलकुलेट कर लो, ये टीडी है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि योर एक्चुअल परचेजेस वुड बी 2,40,000। बाबू आपकी सच में परचेज 2,40,000 की है, क्योंकि ना तो लिस्ट प्राइस ना ही बेटा टीडी कहीं जाने वाला है। और मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों आगे सोच लेंगे जब सोचेंगे, फिलहाल बेटा एक काम करो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो बेटा 2,40,000 से, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इसको परचेज के सामने 2,40,000 लिखने से, कुछ ही दे दो क्वेश्चन में इसके बाद। अगर एमआरपी में से टीडी माइनस कर दिया जो आएगा वो एक्चुअल परचेज है, एक्चुअल सेल होगा आपका। अगर मैंने सेल करी है तो एमआरपी में से टीडी जब माइनस करोगे वो आपकी एक्चुअल सेल्स वैल्यू आएगी, बाकी चाहे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो। और अगर मैंने परचेज करी है तो एमआरपी में से टीडी माइनस करने पर जो आएगा वो आपकी एक्चुअल परचेज है। तो बाबू मैंने सामान खरीदा है 2,40,000 का, कहता है 2% सीडी भी मिली आपको। बेटा ये मुझे कैसे पता लगा कि मुझे सीडी मिली है, मैंने कैसे एकदम बोल दिया कि सीडी मिली आपको। बाबू देखो थोड़ा सा अच्छा सा सोचो, अगर मैं गुड्स खरीद कर लाया हूं तो इसका मतलब है मैंने पेमेंट करी होगी, और जब मैंने पेमेंट करी होगी इमीडिएट पेमेंट, मैंने कितने का सामान खरीदा 2,40% कह रहा है इमीडिएट पेमेंट कर दो, मैंने जब इमीडिएट पेमेंट करी होगी तो मैंने मांगी नहीं होगी उससे कैश डिस्काउंट दो, तो करूंगा हाथों हाथ कर दूंगा पूरे दे दूंगा, मांगी होगी ना डिस्काउंट, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं बेटा कि मुझे कैश डिस्काउंट रिसीव हुई होगी। ठीक है जी, इधर देखना बेटा, बाबू 2% कैश डिस्काउंट मिली है, इसका 2% कैलकुलेट कर लो बेटा 4800, 4800 डिस्काउंट आपको रिसीव हुई, यानी कि जो आपने पेमेंट करी 2,35,200 रुपए की पेमेंट करी, ठीक है ना। अब ये मत पूछना आपको कैसे पता लगा पेमेंट करी, गुड्स खरीदते हैं तो बेटा पे करना ही पड़ता है, ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। यानी कि बेटा इट इज द कैश पेमेंट बाय यू एंड इट इज द डिस्काउंट रिसीव्ड बाय यू, ठीक है जी। बाबू इट इज द डिस्काउंट रिसीव्ड बाय यू, इट इज द कैश पेड बाय यू। बाबू गुड्स खरीदे हैं कैश पे करा है, कैश जब भी बिजनेस से जाता है हमेशा क्रेडिट होता है,
बाबू मैंने परचेज को डेबिट किया हुआ है 2,40,000 से, कैश को कर दिया क्रेडिट कितना 2,352,000। मेरे प्यारे बच्चों जर्नल एंट्री को ऐसे मत छोड़ा ना, ठीक है ना। एक कंसेप्ट है डुअल एस्पेक्ट जिसके ऊपर जर्नल एंट्री बेस्ड है। जब जर्नल एंट्री शुरू किया था चैप्टर पहले डुअल एस्पेक्ट की बात करी थी बाबू। वो बोलता है हर डेबिट का एक इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होता है। बाबू डेबिट 2,40,000 है, क्रेडिट में 2,35,200 तो नहीं हो सकता, 2,40 ही होगा। बनाओ इसे 2,40, बना देते हैं बेटा, बन जाएगा, 1 सेकंड लगेगा। बाबू 4,800 रुपए की डिस्काउंट रिसीव हुई है। कल मैंने शॉर्टकट में 7th बात यही ऐड करी थी और मैंने अभी बोली भी है, दुनिया की सारी सेल्स क्रेडिट होती हैं, सारी इनकम भी तो क्रेडिट होती है। नॉमिनल अकाउंट भी यही बोलता है, मैंने तो शॉर्टकट बना लिया, बट नॉमिनल अकाउंट भी यही बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। दुनिया की सारी इनकम भी तो क्रेडिट होती है। तो बाबू दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है, अगर डिस्काउंट रिसीव हो रही है तो बाबू इट इज अ नॉर्मल बिजनेस इनकम। बिजनेस को इनकम ही तो हो रही है बेटा डिस्काउंट मिलने से। 4,800 की इनकम हो, यानी कि एंट्री हुई परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आई? ठीक है ना। बहु बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ दोबारा, एमआरपी लिखो, टीडी माइनस करो, जो आया एक्चुअल परचेज या सेल वैल्यू है वो तो कर ही दो डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। फिर इसमें से डिस्काउंट और माइनस करो जो आया, ये आपने अगर परचेज करी है तो कैश पे किया होगा, और अगर सामान बेचा तो ऑब्वियसली कैश रिसीव हुआ होगा। परचेज करी है तो बाबू ये डिस्काउंट मिला होगा, अगर सामान बेचा होता सामने वाला एकदम पेमेंट कर रहा होता तो मैंने कैश डिस्काउंट दी होती। थोड़ा सा अच्छा सोचना है बस, ठीक है जी। आओ सेल वाली बात भी पूरी करते हैं। 5,00,000 रुपए एमआरपी का सामान बेचा, ट्रेड डिस्काउंट 15%, कैश डिस्काउंट 1%। आओ जी बाबू, 5,00,000 रुपए एमआरपी का सामान बेचा आपने, एमआरपी का सामान बेचा 5,00,000, 15% टीडी है बेटा, माइनस कर दो 15%। बेटा इसका 15% निकालना और ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देना, यानी कि योर एक्चुअल सेल्स वैल्यू वुड बी 4,25,000। मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ आता है कि नहीं आता, सेल्स को तो पहले क्रेडिट कर दो 4,25,000 से, कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती 4,25,000 होने से, कर दिया। अब वो 1% टीडी, सॉरी 1% सीडी भी दिया है आपने। सर ये मत पूछना कि आपको कैसे पता लग रहा है सीडी मिल रही है या दे रही हो, मैं अच्छा सोच रहा हूँ। जब सामान बेचा होगा मैंने सामने वाले से 4,25,000 लेने हैं, 4,25,000, तो बेटा मैंने उसको लालच ही तो दिया होगा कि अभी तो पे कर दे 1% सीडी ले जा, और उसने एडवांस पे किया होगा और मैंने 1% सीडी दी होगी, ठीक है ना। सोचना है ये सीडी कब मिल रही होगी और कब दी होगी, ठीक है जी। तो बाबू 1% सीडी आपने दी होगी, 1% कैलकुलेट कर लेना, यानी कि बेटा ये तो है सीडी और ये है बेटा कैश रिसीव्ड बाय यू। डोंट टेल मी कि आपको कैसे पता लगा रिसीव हो रहा है, सामान बेचूंगा पैसा आएगा, ठीक है जी। बबो 4,20,750 रुपए आए बिजनेस में, पैसा जब भी आता है बिजनेस में बेटा कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट 4,20,750, और मैंने डिस्काउंट दी भी है। बाबू अगर मैंने डिस्काउंट दिया है मेरे लिए नुकसान, मेरे लिए लॉसेस। बाबू सारे दुनिया के नुकसान डेबिट होते हैं, ठीक है ना, परचेज डेबिट होती है, साथ ही साथ सारे एक्सपेंसेस लॉसेस भी डेबिट होते हैं, सेल और इनकम क्रेडिट होती है। बाबू अगर मैंने डिस्काउंट दिया मेरे लिए नुकसान, इसका नाम लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। प्लीज ये वर्ड ध्यान रखना, डिस्काउंट दो के वर्ड लिखना डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट मिलेगी वर्ड लिखना डिस्काउंट रिसीव, ठीक है जी। बाबू कितने रुपए की डिस्काउंट दी है, 4,250 हो गया बेटा। हर डेबिट का एक इक्वल क्रेडिट है, इस पर डुअल एस्पेक्ट बात सेटिस्फाई हो गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है बात, पक्का। चलो एक काम करो, अब चार ये बातें नोट डाउन तो नहीं कराते, चार नई बातें देते हैं आपको, ठीक है जी, चार नई बातें देते हैं, उसे सॉल्व करके दिखा दो, 10 मिनट दूंगा, 10 मिनट में सारे सॉल्व करके दिखा देना। स्पेशली 4 बच्चों की कॉपी में चेक करूंगा, अपने नए बच्चों की, ठीक है जी, 1, 2, 3, 4, ठीक है जी, 2 एब्सेंट हैं, जब आएंगे तब आएंगे, ठीक है जी। बाबू 10 मिनट दूंगा आप करना, ठीक है जी, पर कोशिश करो कि हो जाए।
चलो जी, चलो जी मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इसी में चेंजेस कर दिए हैं, चारों नोट डाउन करोगे और उसके बाद बेटा सॉल्व करना शुरू करना। 10 मिनट आपके शुरू हो रहे हैं, अब 9:07 पर कॉपी देखूंगा। बेटा एक बार मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, तो 2-3 बच्चे परेशानी फेस कर रहे हैं, सारे ही करके दिखा रहा हूँ, फटाफट से करूँगा, लेकिन इस बार मैं 5 ही मिनट लूँगा सारे करने में। बेटा सामने देखेंगे सब, 2.5 लाख रुपए MRP के गुड्स खरीदे, 10% TDI, बाबू 2.5 लाख रुपए MRP के गुड्स खरीदे, MRP लिखा, TDI माइनस करा, कितना है 10%। बेटा 10% 2.5 लाख का मतलब 25,000, यानी कि आपकी एक्चुअल परचेजेस है 2,25,000। एंट्री की होती आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,25,000 रुपए, दैट्स इट, ये किया है जिसने, बिल्कुल ठीक किया बाबू। 3,25,000 लिस्ट प्राइस के गुड्स खरीदे, 20% ट्रेड डिस्काउंट, इसका 20% निकालोगे 65,000 आएगा, यानी कि आपकी एक्चुअल सेल्स 2,60,000 रुपए की है। एंट्री होती कैश टू सेल्स 2,60,000 रुपए, जिन्होंने भी बेटा ये ट्रांजैक्शन करी है इस अमाउंट के साथ, बिल्कुल ठीक की है, ठीक है जी। अब जितनी आप देर लगा रहे हो ना, आप बताओ तो उतनी देर का तो ये मुद्दा भी नहीं है, 10 मिनट दिए हैं, 1 मिनट से के अंदर अंदर 2 ट्रांजेक्शन करते, ऐसा तो कुछ था भी नहीं। और सच बताओ इतनी कैलकुलेशन तो मन में ही हो जाती है, आप पता नहीं क्या लगे रहते हो, टुकर टुकर आधे से ज्यादा तो 10% पता नहीं कैसे निकाल रहे होते, मैं देखता हूँ पता नहीं भैया कहाँ से आ जाते हो, तो 10वीं पास हो लगता नहीं कभी, भ्रम होता है मुझे। बेटा 10% नहीं निकालना आता यार, बाकी तो क्या, 10% और 1% निकालना मुझे लगता है दुनिया में सबसे आसान चीज होती है, 1% और 10%, बच्चे वो भी नहीं निकाल पाते यार ढंग से। 5 लाख MRP है, 30% बेटा TD है और 5% CD है। बेटा 5 लाख रुपए MRP के गुड्स खरीदे आपने, 30% TD है। अब शुभ भाई पहले आप ये बात सुनो, मैं कहता हूँ नहीं हो रही थी ट्रांजेक्शन, आप कम से कम कैलकुलेशन तो करो, कैलकुलेशन करने का तरीका तो सेम है, MRP में से पहले TD माइनस करो और उसके बाद CD माइनस करो, छोड़ दो जनरल एंट्री को, जितना हो रहा है मैक्स तो करो। तो MRP लिखा बेटा, MRP में से TD माइनस कर दिया, TD कितना है बेटा 30%, इसका 30% निकाल लेना बेटा, 1.5 लाख रुपए आएगा, ये बेटा आपकी एक्चुअल परचेज है। दूसरी बात सर, अगर यहां तक कैलकुलेशन कर रहे हो, परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज को डेबिट कर दो 3.5 लाख रुपए से, क्योंकि कोई भी बेटा परचेज को 3.5 लाख रुपए होने से रोक ही नहीं सकता। MRP में से एक बार TD माइनस कर दो, जो जो अमाउंट आएगी वो एक्चुअल परचेज या सेल होगी, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन। यहाँ परचेज है तो ये बेटा ये आपकी एक्चुअल परचेज है, यहाँ सेल है तो बेटा जब MRP में से TD माइनस करोगे तो ये आपके सेल्स के सामने वैल्यू जाएगी। इतना तो करते मुझे भी थोड़ा हौसला होता कि यार कुछ सीख लिया पिछले 4 पार्ट से। चलो जी बाबू उसके बाद क्या करो, CD को माइनस करो, CD कितना है 5%, इसका 5% निकालो, 17,500 रुपए आएगा, माइनस कर दो बेटा 3,32,500। बाबू बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो पैसे देने पड़ते हैं बेटा, यानी कि बेटा आपने एक्चुअली में इतने पैसे दिए, कैश पेमेंट आपने 3,32,500 की है, यानी कि बेटा ये डिस्काउंट आपको मिली है। और पैसे जब भी दे रहा हूं
क्रेडिट ही होगा कैश, अब वो आपने कैश क्रेडिट किया होगा 3,32,000 से और डिस्काउंट रिसीव करी होगी, ये भी क्रेडिट, क्योंकि दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है 17,500 से। बाबू ये एंट्री हुई होगी 3,32,500 और ये है 17,500, ये हुई होगी कि पूरी की पूरी जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब बाबू फोर्थ पार्ट के लिए एक मिनट और दे रहा हूँ नए बच्चों को, मैं नहीं करूँगा, हाथ पकड़ सकता हूँ गला नहीं, चल फटाफट से एक मिनट बेटा। फोर्थ पार्ट एक और बार समझ लो बेटा, मेहनत ध्यान रख लेना, 3-4 बच्चों के लिए ही हो रही है दोबारा सारी, ठीक है ना, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, आप सीख जाओ तो बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, इस टाइम खर्च नहीं पड़ेगा, दिन और भी खर्च कर सकता हूँ मैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, मुझे बल्कि आगे बढ़ना था, इस कंसेप्ट में आगे बहुत सारी बातें और हैं, पर बेसिक तो सीखो, तुम बेसिक भी ग्रैब नहीं कर रहे हो बेटा, फिर वही बात, 10% निकाल रहे हैं भाई साहब, कैसे निकाल रहे हैं बस सर भी जानता है, सो भाई क्या कर रहे थे, 10% भी नहीं निकल रहा आपसे बेटा। 8,50,000 रुपए MRP का गुड्स बेचा आपने भाई, 10% निकालने के लिए इधर देखो, 10% निकालने के लिए बस 1 0 ही हटानी होती है और 1% निकालने के लिए 2 0 हटानी होती है, इतना तो समझो बेटा, 1 0 हटा दी मतलब 85,000 रुपए की ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है ठीक है। अब ये जो तुम 10% भी अलग से निकाल रहे होते हैं ना रफ में, क्या बताऊं तुम्हारे को कि कैसे निकालते हैं 10%, मुझे हंसी आती है यार सच में, 1 0 नहीं हटा सकते तुम इसमें से, बढ़िया 10%। अब मुझे लग रहा है पहले परसेंटेज सिखाऊं ये काम तो बाद में शुरू करूं अकाउंट्स, तो बेटा 8.5 लाख की MRP माइनस कर दिया 85,000 TD, यानी कि बेटा दिस इज योर एक्चुअल सेल्स, मैं कह रहा हूँ और कुछ भी नहीं आता था, इतना तो कर देते भाई, मुझे भी सहूलियत रहती कि कुछ कर दिया तुमने, 7,65,000 रुपए की सेल्स है बेटा। सेल्स की जगह पर मैंने लिख दिया 7,65,000 रुपए बेटा, कहते हैं 1% इज द CD बेटा, 1% CD और माइनस कर दी आपने, यानी कि बेटा दिस इज द कैश रिसीव्ड बाई यू। कैसे पता लगा कैश रिसीव किया, भैया सामान बेचूंगा तो पैसे आएंगे, ठीक है ना जी, अगर पैसे आए हैं, जब भी पैसे आते हैं कैश अकाउंट डेबिट, बाबू इतने पैसे मुझे मिले हैं 7,57,350 बेटा, ये डिस्काउंट आपने दी है या मिली है, ऑब्वियसली दी है, जब बेटा सामने वाला 7,50,000 रुपए पैसे आपको दे रहा है, 7,65,000 के आसपास दे रहा है, तो बेटा ऑब्वियसली वो मुझसे डिस्काउंट की डिमांड करेगा, वो कहेगा इतने सारे कैश दे रहा हूँ लाओ कैश डिस्काउंट दो, और अगर मैंने डिस्काउंट दी ही है तो बेटा मेरा खर्चा मेरा लॉस, दुनिया के सारे लॉस डेबिट होते हैं बेटा, लॉस को डेबिट कर देना, कितनी डिस्काउंट दी है 7,650। अब सर ऐसा ही एक और एग्जांपल लिख लो, ठीक है ना, जो आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि मुझे तो समझ आया नहीं अभी तक कि हुआ नए बच्चों से बहुत अच्छे से, तो अब होना चाहिए, ठीक है जी, मैंने 8 पार्ट कर दिए हैं एक जैसे, अब होना चाहिए, हमें उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल होएगा हर बच्चे से, ठीक है सर उदेश, अब होना चाहिए, लिखो चलो फटाफट से होमवर्क लिखो,
वो मैंने चारों पार्ट लिख दिए हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं, नोट डाउन कर लो, कर कर आना, चारों पार्ट मैंने लिख दिए हैं। ठीक है जी। मुझे वैसे और थोड़ी सी बात करनी थी, पर अब वो बात है 15 मिनट की, 15 मिनट है। चलो छोड़ रखते हैं आज के लिए, इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।